प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बची हुई 2 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ दी गई हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इन सब के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के नए होर्डिंग लगाए गए हैं। 27 के सत्ताधीश लिखी इन होर्डिंग में उनको नए अवतार में दिखाया गया है। इससे सूबे का सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। इसी कड़ी में फैजाबाद से सपा सांसद और समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद ने उपचुनाव में बंपर वोटों से समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया है। साथ ही लखनऊ में लगे अखिलेश यादव के पोस्टर को लेकर भी ये दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की जीत होगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बधाई देता हूँ कि माननीय अखिलेश जी जो देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उन्हें बढ़ा है, ये अच्छी बात है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकता है, आप लगा सकते हैं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जाएगी 27 में। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की 27 का सत्ताधीश लिखी इन होर्डिंग पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सपा के सपने शेख चिल्ली जैसे हैं, जाति मजहब के समीकरण से सपने साकार नहीं होते हैं। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि 2027 तो दूर, सपा का सपना अभी उपचुनाव में ही टूट जाएगा। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण करके अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। 23 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का अनऑफिशियल जन्मदिन है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके समर्थकों ने प्रदेश भर में जन्मदिन की बधाई की होर्डिंग लगाई है। ऐसे में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा एक होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा अयोध्या में शानदार जीत के साथ प्रदेश की कुल 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी और देश में तीसरी सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करती है।